लेडीज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैमर लाइफस्टाइल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। तो गाइज, एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि फेस्टिव सीजन आ चुका है और आप लोग सारी गर्ल्स एंड लेडीज जो है जोरों शोरों से अपने फेस्टिव सीजन की तैयारी कर रही होंगी, कुछ मार्केट से, कुछ ऑनलाइन, या जैसे भी जिसको सुटेबल लगता है। तो हर कोई फेस्टिवल की तैयारी तो करता ही है गाइज। तो गाइज, इसमें ही मैं भी आप लोगों की थोड़ी हेल्प करने वाली हूँ गाइज। तो मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से एथनिक वियर के हॉल्स लेकर आने वाली हूँ गाइज, जो स्टार्ट होते हैं आज से। तो आज का भी जो मेरा एथनिक हॉल ही रहने वाला है गाइज, और इसमें भी मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से मतलब 2-3 आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही स्मार्ट लगने वाले हैं आपके। और अगर आप पसंद करते हैं स्पेशली फेस्टिव में एथनिक वियर पहनना, या फिर कुछ जैसे बिल्कुल एथनिक ना हो, थोड़ा इंडो वेस्टर्न सी लुक में हो या कुछ इस तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं गाइज। जो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। वाला है हमारा छोटा सा हॉल गाइज, जो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ये हॉल है गाइज, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेगा आपको ये पहनने के बाद गाइज। और पहन के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप ट्राई ऑन में देख सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरह से ये मेरे ऊपर लग रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी अच्छा लगे तो आप इनसे बाय कर सकते हैं गाइज, और इनके लिंक या कोड जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्यूटीफुल सा, आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर का कुर्ता, और जो बहुत ही सुंदर है, और कितना सुंदर इसके ऊपर डिज़ाइन आप देख सकते हो, और इसके ऊपर जो है छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे हुए हैं इस डिज़ाइन के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं वियर करने के बाद, और काफ़ी शाइनी से भी लगते हैं। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन है, आप देख सकते हो गाइस। इसको आप अनारकली कुर्ता भी कह सकते हैं, अगर आप मैक्सी एज ए मैक्सी ड्रेस इसको वियर करना चाहते हैं तो एज ए मैक्सी ड्रेस भी वियर कर सकते हैं, अगर दुपट्टा वगैरह लेके या कुछ इस तरह से वियर करना चाहते हैं तो उस तरह से भी वियर कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप वियर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो गाइस, इसमें कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, ये थोड़ा सा प्रिंट है इसमें, और प्रिंट के साथ साथ ही आपको इस तरह से स्टोन वर्क भी मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और अगेन गाइस, जो कपड़ा भी है इसका वो थोड़ा सा सिल्क टाइप में इसका कपड़ा है, और ये इसके ऊपर कपड़े पे भी जो इस तरह के जो छोटी छोटी बूटियाँ सी हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन सा जो बना हुआ है गोल्डन कलर का, ऑल ओवर सारे बना हुआ है, और इस तरह से आपको फ्रिल्स इसमें मिल जाती हैं, और यहाँ पर भी आपको बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर और इस तरह का डिज़ाइन मिल जाता है, और कितना सुंदर खिल के आ रहा है गाइस। ये क्रीम वाइट कलर का कलर है, और इसके ऊपर ये बिल्कुल ऑरेंजेस कलर के फ्लावर्स एंड डिज़ाइन जो बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, पहनने के बाद भी इतना ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। और अगर आप कुछ फेस्टिव वगैरह के लिए, या दिवाली, या फिर कुछ छोटे मोटे चीज़ों के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ आप ऐसा लें, जैसे गिफ्ट्स वगैरह देने जाते हैं दिवाली पे गाइस, अब काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देने होते हैं या किसी के घर जाना होता है, तो उस चीज़ के लिए भी आप इसको वियर कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक ये आपको देगा। आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है। और अगर गाइस मैं इसके घेरे की बात करूँ तो आप इसका घेरा भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा घेरा है इसका, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस, और इतने कम प्राइस में, तो एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर इतने कम प्राइस में तो आपको कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं मिलेगी गाइस। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। और बैक साइड आपको इसकी इस तरह से प्लेन मिल जाती है, नीचे जो ये इसके डिज़ाइन है ये इसके ऑल ओवर हर तरफ से है, पर जो अगर नेक पे डिज़ाइन है वो आपको बैक साइड पे नहीं मिलता है, वो सिर्फ नेक पे ही मिलता है आपको फ्रंट साइड में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है गाइस, और कलर भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, ऑफ वाइट सा कलर है, और इसके ऊपर ये प्यारी प्यारी सी बूटियाँ जो बनी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी। ट्रस्ट मी, आप ज़रूर लें गाइस, और ज़रूर आप इसको वियर करें। एकदम बिल्कुल क्लासी सी लुक होती है ना, जैसे बिल्कुल एकदम सिंपल सोबर एंड क्लासी सी लुक होती है, उस तरह की लुक आपकी बनकर आएगी गाइस, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। गर्ल्स हों चाहे लेडीज़ हों, कोई भी इसको वियर कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट लगेगा आपके ऊपर, और मतलब सिंपल सोबर एंड बेस्ट लगेगा, ट्रस्ट मी। ये भी एक कुर्ती सेट ही है, और मैक्सी ड्रेस भी आप इसको कह सकते हो। तो ये भी आपको इस तरह की प्रिंटेड में मिल जाती है गाइज, ये तो एक कैजुअल सी है, जैसे आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा आउटिंग होती है गाइज, मार्केट आना जाना, या किसी के घर, या मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे चक्कर लगते रहते हैं कभी मार्केट के कभी कहीं, तो आप इस तरह का कुछ सिंपल सोबर सा ले सकते हैं और वियर कर सकते हैं गाइज। तो जैसे त्योहारों का सीज़न जो होता है गाइज, इसमें हर कोई प्रेफर करता है कि मैं कोई कुर्ती सिंपल या कुछ इस तरह से पहनूं, जीन्स टॉप से थोड़ा वो हो जाता है ना लोगों को, जैसे त्यौहार हैं तो कुछ ट्रेडिशनल सी फीलिंग आने लगती है, और कुछ ट्रेडिशनल सी इस तरह से हम कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी कुछ इस तरह से है गाइज, इस तरह से आपको स्लीव्स में ये डिज़ाइन सा मिल जाता है ऐसे।
तो और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है गाइज, आप देख सकते हैं इस तरह से बटन की डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाती है, वुडन से बटन से इसमें, और कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है इसका भी आप देख सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे कितनी सारी इसकी वेस्ट पे चुनटन सी बनी हुई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है क्यूट सी पहनने के बाद। तो ये इस तरह से आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं इसके साथ गाइज, और इस तरह से नेक मिल जाता है इसका। और यहाँ पे वेस्ट पे लगाने के लिए आपको एक बेल्ट भी मिल जाती है ब्राउन कलर की, अभी मुझे यहाँ रखी हुई है, तो इस तरह की बेल्ट भी मिल जाती है जो उसको आप टाइट कर सकते हैं। अगर आप बेल्ट लगा लेते हो तो एक मैक्सी ड्रेस टाइप लुक दे देता है ये, अगर आप बेल्ट नहीं लगाते हो तो एक सिंपल कुर्ती टाइप लुक देता है ये। तो आप जैसे चाहे वैसे वियर कर सकते हैं गाइज, और इसको अगर ऐसे कुर्ती आप वियर करना चाहते हैं तो इसको सिंपल ऐसे वियर कर लीजिए, इसके साथ कुछ इस तरह की मरून या ब्लैक डार्क ब्लू कलर का आप प्लाजो पहन सकते हैं जो एक बिल्कुल कुर्ती सेट का लुक देगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगने वाला है गाइज आपका, ट्रस्ट में बहुत ही सुंदर ये मुझे लगा गाइज। और ये तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में 400 समथिंग की रेंज में ये है, और इतने में तो गाइज मार्केट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और खासकर आज के त्योहारों के सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी है गाइज, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं इसका लिंक और कोड। इंजॉय कर रहे हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, और चैनल सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइस तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे हैंडल, तो जैसे चाहे आप वैसे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज मेरी इंजॉय कर सकते हैं गाइस। डिफरेंट क्लोथ्स जो मैं आपको हॉल्स में दिखाती हूँ उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ फोटोज़ या ऐसे रील्स वगैरह बनाई हुई हैं जो जाके आप देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। टेंटर है तो ये भी आप गाइस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा सेट है गाइस, इतनी ब्यूटीफुल सी अनारकली कुर्ती है इसकी, और इसके साथ ये रेड कलर का प्लाजो आपको मिल जाता है गाइस। तो बहुत ही सुंदर सा पीस है ये गाइस, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा, मैं जो आज के हॉल में आपको तीनों ही पीस जो दिखा रही हूँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा सुपर कम्फर्टेबल हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा ऑसम है ये का, और रेंज वाइज भी बिल्कुल मिनिमम रेंज में ही आपको मिलते हैं गाइस, तो छोड़ने के नहीं है, जल्दी से बाय कर लो। तो ये देख सकते हो आप गाइस, ये इस तरह से आपको इसका प्लेन नेक मिल जाता है, वी नेक में ये आपको इस तरह से मिल जाता है, और कितना ब्यूटीफुल सा ब्लू एंड रेड सा मतलब मिक्स कलरफुल सा इसका प्रिंट है गाइस, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, और आई होप पहनने के बाद भी अच्छा लगेगा। मैं आपको ट्राई ऑन में दिखा दूँगी कि कैसे लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ऊपर कौन सी ड्रेसिंग में से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आपको मिल जाता है इसके स्लीव्स पे डिज़ाइन गाइस, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो जो जिस तरह का इसकी बॉटम है ना उसी तरह का इसमें कुछ मिक्सर डिज़ाइन दिया हुआ है इन्होंने, जो बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रहा है। और मैंने ये जो सेट जो मंगवाया है गाइस, मैंने ये ही डिज़ाइन देख के ज़्यादा मंगवाया, क्योंकि जो मॉडल ने वियर किया था उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। तो अब वियर करके देखती हूँ किस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मॉडल पे या मुझ पे। तो इसमें दोनों स्लीव्स पे इस तरह से मिल जाता है आपको डिज़ाइन गाइस, और यहाँ पे वेस्ट में मिल जाती हैं आपको इस तरह की टेसल्स, और ये यहाँ से आप इसको थोड़ा ऐसे इस तरह से हल्का फुल्का टाइट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत लूज लगे ये तो। और अगर घेरे की बात करें तो आप देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा इसका घेरा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कपड़े की बात करूँ तो गाइस कपड़ा भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रांजी नहीं है, आप देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छा कपड़ा है, और रियॉन स्टफ में ही इसको कह सकते हैं गाइस हम, पर रियॉन जैसे एकदम बिल्कुल ढीका ढलका सा रियॉन होता है उस टाइप का नहीं है, काफ़ी मतलब अच्छा, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग इसकी लग रही है, बहुत अच्छा सा है। तो इसको भी आप ओकेजनली मतलब आप फेस्टिव सीजन में वियर कर सकते हैं गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है आपका, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये गाइस। और वी नेक का तो आजकल आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा ट्रेंड है, और इसके साथ आप ब्यूटीफुल सी कोई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी भी आप वियर कर सकते हो, तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी अगर आप इसके साथ वियर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, और ये जो इसका पूरा लुक है सूट का ड्रेस का तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा गाइस। बाकी आप इधर देख सकते हैं ट्राई ऑन में कि किस तरह से लग रहा है। तो इसके बाद चलते हैं बॉटम की तरफ। तो इस तरह की कुछ इसकी बॉटम है गाइस, आप देख सकते हो इस तरह से इस पर प्रिंट है, छोटे छोटे बॉक्सेस से बने हुए हैं, और इस तरह से इसका ये इलास्टिक दिया हुआ है इसमें, ये पैंट टाइप में नहीं है, पजामा टाइप में ही है, प्लाजो टाइप में, बट काफ़ी अच्छा है गाइस। तो इसका भी स्टफ में अगर बात करूँ तो प्लाजो का स्टफ भी काफ़ी अच्छा है, और बॉटम आपको बिल्कुल सिंपल मिलती है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो प्लेन बॉटम है, तो मेरे हिसाब से इसका प्लेन बॉटम ही अच्छी लगेगी गाइस। कई जैसे इसमें डिज़ाइन दिया हुआ आपको ये थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया इसकी शर्ट, और नीचे बॉटम बिल्कुल सिंपल प्लेन है, तो
काफ़ी अच्छा लगेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। और बाकी आप मुझे ट्राई ऑन में देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है गाइस कि इन तीनों ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। तो ये इस तरह से इसकी बॉटम है गाइस। और अगर आसन की बात करें तो आसन भी इसका अच्छा खासा है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है या टाइट होगा, नहीं। बाकी मैं आपको पहनने के बाद अब बता सकती हूँ, ट्राई ऑन में देख सकती हूँ कि किस तरह से लग रहा है आसन वगैरह, छोटा बड़ा जो भी है तो आप उसमें देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है गाइस ये भी, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं गाइस। तो अगर इसी तरह के हॉल्स आप और भी देखना चाहते हैं गाइस तो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड बहुत सारी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ गाइस। और अभी तक तो रास्ते में ही है आधे प्रोडक्ट्स तो गाइस जो मेरे कभी भी मेरे पास पहुँच सकते हैं और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ सकती हूँ। तो जुड़े रहे मेरे साथ गाइस ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।